गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या सीखेंगे? हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो देखते हैं। अब यहां पर मान लो कोई भी वस्तु यू स्पीड पे है। स्पीड क्या है? यू है एयर में, यू स्पीड है एक हाइट। अब यहां से हाइट इसका मान लो एच है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में एच हाइट है। अब यहां से वस्तु प्रोजेक्ट हुआ है, कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है। अब ये जो एंगल है ये थीटा है, स्पीड यू है, और यहां से यहां तक कोई हम रेंज बोलते हैं, ये टारगेट है यहां पर। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? जब कोई भी पार्टिकल हॉरिजेंटली हैज वेलोसिटी यू, कोई भी पार्टिकल हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या रखा है? यू। और ये वहां से नीचे की ओर ग्राउंड पर प्रोजेक्ट किया गया है, जैसे एरोप्लेन से हम बम गिराते या एरोप्लेन से फ्लूट्स में पाव रोटी गिराते, तो वहां पे क्या होगा? यू स्पीड है। मान लो यहां पर पी पॉइंट यहां पर है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वाई। और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एक्स। क्लियर? सब चीज वही है इंक्लाइन में। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते? द पार्टिकल ऑफ मोशन प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ स्पेस टू ग्राउंड विथ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, विथ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आ रहा समझ में? क्या बोलेंगे? द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ स्पेस टू ग्राउंड विथ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब कोई भी अदर हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होगा, और फिर इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरी तरह से डाउट क्लियर हो गया? द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ स्पेस टू ग्राउंड विथ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, there is no act any other horizontal force and always cover equal horizontal distance in equal time interval is called horizontal projectile motion। horizontal projectile motion। तो देखो नंबर एक में हम पढ़ेंगे trajectory। मान लो यहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ, एंगल थीटा लिया और पी पॉइंट पर हम निकालते हैं पाथ, तो आपको पता है एक्स इक्वल टू क्या होगा? बोलो, यू इंटू टी, चूंकि एक्स में हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? यू है, टाइम टी है। वाई इक्वल टू क्या होगा? हाफ जी टी स्क्वायर, चूंकि यहां पर तो जीरो है इनिशियल स्पीड, तो यहां पर y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो इससे हम t निकालेंगे तो क्या होगा? x बाई यू। तो y इक्वल टू क्या निकला? 1/2 g x बाई यू का स्क्वायर, देयरफॉर y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर हो गया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल टू यू टी, यहां से हम टाइम निकाले x बाई यू, y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन वहां पर क्या होगा? ऊपर से फेंका गया तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, तो u तो यहां पर इस साइड जीरो है, यहां से आया है तो यहां जीरो कर दिए, तो क्या बचेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। जो टाइम सेम टाइम है, इक्वल टाइम, तो t की वैल्यू यहां पुट कर दिए, y इक्वल टू क्या निकला? जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। तो नोट करो, मेरे ख्याल से एकदम सिंपल है, प्यार से पढ़ेंगे सब चीज आएगा। ओके, नोट करो।
अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट, अब आप यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट मान लो आर है, तो ये क्या है, आर इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे। आप पढ़े हो आर वेक्टर का ये फॉर्मूला होगा। अब बताओ मॉड आर का क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने क्या पढ़ा है, बट एक्स इक्वल टू यू टी और वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो मॉड आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट बोलो यू टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर, यही आएगा। अब यहां से क्या करते हैं, अब डायरेक्ट आप वैल्यू यू टी को हम निकाल लेते हैं, मॉड आर इक्वल टू क्या होगा यू टी निकाल लो बाहर, तो ये क्या होगा वन प्लस, अब यहां पे क्या होगा जी टी बाय टू यू का स्क्वायर। देखो जी टी बाय टू यू का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मॉड का। अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होगा वाई बाय एक्स, मतलब टेन इनवर्स वाई क्या होगा वाई इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाय टू यू टी, यही फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स जी टी स्क्वायर बाय टू एक्स इक्वल टू जी एक टी कैंसल कर दो, तो थीटा इक्वल टू क्या निकला टेन इनवर्स जी टी बाय टू यू। देखो इसी फॉर्मूले से हम टाइम निकालेंगे, तो क्या होगा टी इक्वल टू अंडर रूट टू आई बाय जी, इस फॉर्मूले से यहां पुट कर दो तो थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा टेन इनवर्स अंडर रूट टू अंडर रूट जी वाई बाय टू अपॉन यू। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पाठ रखने का है, क्लियर, कोई टेंशन, एकदम सिंपल था डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन, नोट करो। अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी हम इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी थीटा दिया हुआ इधर बी इधर बी एक्स इधर बी वाई, तो ऐसे पढ़ेंगे वी एक्स इक्वल टू क्या होगा यू, बी वाई इक्वल टू क्या होगा बोलो जी टी, तो वी इक्वल टू क्या होगा वी एक्स आर माइनस बी वाई जे, चूंकि डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लिखा, मतलब वी इक्वल टू यू आर माइनस जी टी जे, ये हुआ। और अगर मॉड बी कर देंगे तो क्या होगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, अगर यू कॉमन ले ले तो क्या होगा बोलो वन प्लस जी टी बाय यू का स्क्वायर, देखते जाओ वन प्लस जी टी स्क्वायर बाय यू है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जी टी बाय यू को हम चेंज कर सकते क्या, कर सकते, तो भी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या करना है आपको याद रखना है जी टी बाय यू स्क्वायर। उसके बाद फिर देखते हैं यहां पर, देखो v इक्वल टू है यू आर माइनस जी टी जे, आप y इक्वल टू क्या होता है हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी टी इक्वल टू टू वाई, देखो यहां पे टू वाई बाय टी कर सकते हैं, कर सकते क्या जी टी स्क्वायर, एक मिनट देखो यहां, यहां पर v इक्वल टू यू आई जी टी जी से बनाए, इसको क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं v इक्वल टू यू आर माइनस, अब
यहां पर आप लिख सकते हैं वी वाई जे, इसको नहीं तो वी एक्स आई कर दो। वी एक्स इक्वल टू हम और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं, कैसे देखो, वी एक्स इक्वल टू यू एंड वी वाई इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट टू जी वाई, बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस होता है उस फॉर्मूले से। तो बी इक्वल टू क्या निकला, यू एस आर माइनस बोलो अंडर रूट टू जी वाई जे, ये फॉर्मूला आया। और मॉड भी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई। अब यहां पे अगर यू कॉमन लो तो वन प्लस टू जी वाई बाई यू स्क्वायर, ये मॉड भी का फॉर्मूला आया। क्लियर, यहां तक देख लिए, तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं यू अगर नहीं निकाले तो। अगर हम डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन डायरेक्शन तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होगा, बी वाई बाय बी एक्स। तो टेन इनवर्स पहले वाले के अनुसार बी वाई के जगह हमने क्या लिखा था, जी टी, तो हम लिखेंगे जी टी बाय यू। और दूसरे वाले के अनुसार बी वाई के जगह क्या लिखें, टू जी वाई, तो अंडर रूट टू जी वाई अपॉन यू, देख लो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू जी वाई बाय यू, ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्शन का है। ओके, नोट करो। अब जो देखेंगे, अब पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम कितना हुआ, यहां से यहां तक आने में, ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जो टोटल टाइम, ये क्या है ग्राउंड, ये है स्पेस, स्पेस से ग्राउंड तक आने में प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो देखो यहां पर ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है एच, तो हम क्या बोलेंगे, एच इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी, यू की वैल्यू तो यहां पर जीरो है, इस तरफ वर्टिकल देख रहा हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू टू एच बाई जी, देयर फोर टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी, ये हुआ टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब हम लेते हैं हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज तो सीधा सीधा है, ये क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन ग्राउंड टू द फाइनल पॉइंट ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज। तो आर इक्वल टू इधर क्या है, इस हॉरिजेंटल में स्पीड यू है, यू टी कर देते हैं, टी का ये फॉर्मूला लेते हैं, क्या निकला, यू अंडर रूट टू एच बाई जी, यही है हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला। और ये था हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, एक बार देख लो। आप पढ़ेंगे इनक्लाइन, अब पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नया चीज नहीं है, बोलेंगे व्हेन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जब ऑब्लिक, जैसे मान लो ऑब्लिक कैसा होता था, सीधा होता था, अब इसी को इंक्लाइंड प्लेन पे अगर परफॉर्म किया जाए तो इसे बोलते इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर, अब मान लो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अल्फा है और ये थीटा है, स्पीड यू है, इधर क्या होगा, यू साइन थीटा, इधर यू कॉस थीटा, या मान लो मैक्सिमम हाइट ए पॉइंट पर है, ओ से लेके बी तक रेंज है, टोटल टाइम टी है, तो पहला हम लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर्मूला सेम है,
अभी आप ही लोग बताओ टी इक्वल टू क्या फॉर्मूला पर आए थे, टू यू कॉस थीटा बाय जी। लेकिन यहां जी देखो ऐसे इस तरफ लगेगा, इस तरफ जी है, अल्फा इसका इंक्लाइन प्लेन का है तो इस तरफ क्या लगेगा जी कॉस अल्फा। तो क्या लिखे डायरेक्ट जी कॉस अल्फा, सेम फॉर्मूला। अगर मान लो मैक्सिमम हाइट ले दें, एच इक्वल टू क्या पर आए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, जी के जगह कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला होगा। बट अगर रेंज पढ़ेंगे हॉरिजेंटल रेंज, तो देखो यहां पर गड़बड़ाएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल रेंज अगर हम पढ़ेंगे आर, तो ये क्या होगा यू एक्स टी, उसके बाद यू वाई टी और प्लस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। देखो बढ़िया से सारे स्टूडेंट आपको पता होगा इसे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज से हम निकालेंगे। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे देखो यू वाई टी ऐसा होगा, लेकिन यहां तो इस तरफ है रेंज, ये क्या होगा यू एक्स होगा, और यहां पे क्या होगा कॉस के जगह क्या होगा साइन होगा। मैंने जान के लिखा क्यों, क्योंकि वर्टिकल नहीं है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। यहां पर देखो तो इस लाइन में इसके पैरेलल ये है जी साइन अल्फा, तो अब देखो आर इक्वल टू क्या होगा यू कॉस थीटा इंटू टी के जगह क्या लिखेंगे टू यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। अच्छा मिस्टेक से कॉस थीटा लिखा दिया, टू यू साइन थीटा होता है, गलती से लिखा दिया सॉरी, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी होता है। उसके बाद फिर टी हो गया प्लस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टू यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। देख लो यू कॉस थीटा चूंकि आर में, इसमें देखो तो टाइम पीरियड टू यू साइन थीटा बाय जी है, जी के जगह कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। उसके बाद फिर यहां पे देखो जी टी स्क्वायर टी स्क्वायर के जगह इस तरफ है। अब इसको हम तोड़ेंगे, मतलब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर इस तरह से आएगा। क्या आएगा देखो बढ़िया से, ये साइन साइन थीटा इंटू कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा, तो टू यू स्क्वायर बाय जी, उसके बाद साइन थीटा कॉस इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। देख लो ये फॉर्मूला है आर इक्वल टू टू यू स्क्वायर जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो नोट करो, देखो स्टूडेंट हमने क्या लाया था आर इक्वल टू यू कॉस थीटा, टी का वैल्यू पुट किया, टी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो क्या करते हैं इस स्टेप को यहां लेते हैं, इस दोनों में टू यू स्क्वायर बाय जी कॉमन लेते हैं, क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। इसमें देखो यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हुआ, 2 बचा 2 यू स्क्वायर निकाले तो साइन अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें से साइन थीटा भी निकाल लेते हैं, क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू, अब यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए एक ऊपर लिखना पड़ेगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे ऊपर वाला प्लस होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू है कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी। तो ये आंसर आया फाइनल।
देख लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर हम लेते हैं मैक्सिमम रेंज, नोट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर हम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मैक्सिमम रेंज कब होगा? मैक्सिमम रेंज आपको पता है थीटा का जो वैल्यू होता है, थीटा का जो वैल्यू होता है वो पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 होगा। पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। अब देखो इसमें दो नोट्स हैं। पहला कह रहा है जब अपवर्ड चलता हो, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल अपवर्ड ऊपर की ओर हो, तो आर मैक्स का फॉर्मूला यही याद करना है, बाकी कुछ भी नहीं याद करने का। यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन थीटा, यू स्क्वायर सॉरी थीटा के अल्फा लेंगे साइन अल्फा, और जब डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो गया, और जब डाउनवर्ड हो आर मैक्स का फॉर्मूला प्लस की जगह क्या होगा? माइनस होगा। यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा, ये डाउनवर्ड। तो ये था 3 का क्लास, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश हुआ। कल क्या करता हूँ, हॉरिजेंटल और इंक्लाइन पे प्रॉब्लम ले लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फोर्स। ओके, गुड नाइट।